साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे बहरीन से रिलेटेड, बहरीन की स्थिति क्या है, कोरोना से रिलेटेड या फिर फ्लाइट से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट है। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई अपन शुरुआत करते हैं पहले बहरीन में कोरोना अपडेट से रिलेटेड। तो भाई कोरोना का बहरीन में ठीक है परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। 2800 प्लस अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, उनमें से डेथ रेशियो ओनली फॉर 8 लोगों की अभी तक मौत हुई है कोरोना संक्रमित से, उनमें से 1200 प्लस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। तो कोरोना के मामले में डरने की बहरीन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको देखते हुए लॉकडाउन अभी नॉर्मल तरीके से चल रहा है, वो तो हर कंट्री में चल ही रहा है, आपको पता ही है। बाकी हम बात कर लेते हैं साथियों, मेन जो टॉपिक है लोगों का आज के टाइम में, फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स, बस दो ही बातें समझ में आ रही है लोगों की, सर फ्लाइट कब चालू होगी, एयरपोर्ट कब चालू होगा। तो भाई इस मैटर में मैं बता दूं आपको, इत्याद एयर फ्लाइट है जो दुबई का है वो 15-16 मई से स्टार्ट हो जो हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ उनकी जाती हैं फ्लाइट्स, कितनी भी कंट्रियों के लोग हो उसमें आ जा सकते हैं। बशर्ते उसमें शर्त ये रहेगी कि वो जिस कंट्री में वो जा रहा है वो फ्लाइट की उतरने की मंजूरी दे, मेन बात ये उसमें बताई गई है। सेकेंड बात कर लेते हैं साथियों, इंडिया में एयरपोर्ट बाकायदे चालू हो रहे हैं, अभी जस्ट एक दो दिन के अंदर हो जाएंगे, जिसमें मेन हवाई अड्डे हैं वो खोले जाएंगे, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गोवा और चेन्नई, ये 4-5 जो एयरपोर्ट हैं ये ओपन होंगे। इसमें आप एम्बेसी से जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई अपडेट आती है कि भाई टिकट किस तरह से आपको बुक करवानी है, तो उस हिसाब से आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करके एम्बेसी के नंबरों पे वो आगे जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, या आप अपने स्तर पे भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें आप अपने स्तर पे ट्राई करके आप अपनी कन्फर्म इंडिया आने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह वो करवाना होगा, वो आप करवा सकते हैं। आगे न्यूज़ निकल के आ रही है साथियों कि बहरीन गवर्नमेंट ने जो वीज़ा से रिलेटेड थे, विजिट वीज़ा या फिर ऑन अराइवल वीज़ा, जितने भी विजिटर्स से रिलेटेड जो वीज़ा थे वो ऑटोमेटिक रिन्यू गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया है। उसमें आपको कोई फ़ाइन, कोई जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि भाई आप मलेशिया की तरह आप ऑनलाइन फॉर्म भरो और आप ऑनलाइन कराओ, कोई ज़रूरत नहीं है। जो वीज़ा आपकी जेब में है वो एक्सपायर आपकी जेब में है, लेकिन वो ऑनलाइन शो करेगा, बाकायदा ऑनलाइन आपकी उसमें वैलिडिटी शो करेगी, बिना अप्लाई किए भी ऑनलाइन हो जाएगा, कोई पैसा देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं साथियों टिकट से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड। तो भाई मैंने आपको बता दिया एयरपोर्ट की कंडीशन ही है, अब बात कर लेते हैं कि आपको इंडिया आना कौन, किसको जरूरी है, किस स्थिति में कैसे आप आओगे। इंडिया के हजारों लाखों आदमी हैं जो विजिटर्स हैं, जो विदेशी हैं, जो इंडिया आना चाहते हैं। तो ये मान के आप दिमाग में बिठा लें कि जैसे गवर्नमेंट स्टार्ट कर देती तो क्या लाखों लोगों को एक साथ में लेके आ जाएगी, बिल्कुल असंभव बात है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो बूढ़े बुजुर्ग बीमार हैं, जो इमरजेंसी केस है या फिर वो मरने की स्थिति में हैं, मेडिकल की उनको ज़रूरत है इंडिया में, वो लोग आएंगे, प्रेग्नेंट महिलाएं, ये इनको दी जाएगी, या फिर को जो बीमारी से मर चुके हैं, डेड बॉडीज उनकी अदर कंट्रियों में पड़ी हैं, या फिर कोरोना पीड़ित होकर वो मर चुके हैं, वो लोग ही उनको ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी में बाद में आप अगर 2-3 फेर हो जाते हैं उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप कॉन्टेक्ट करके जो भी गवर्नमेंट दिशा निर्देश देती है, कोई अपनी वेबसाइट डालती है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर एम्बेसी के द्वारा आपको कॉन्टेक्ट करके आप आ सकते हैं। लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट आप लोगों के साथ निकल के सामने ये आ रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद आपने दिमाग लगाया नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं भाई, देखिए 100% टिकट का भाव 3-4 गुना हो जाएगा, यानी 30,000 से 40,000 के समथिंग आपकी टिकट आने वाली है। तो पहली तो माइंड में ये बैठा लें कि ये इंतजाम आपको करना है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपनी मर्जी से आ रहे हो। इमरजेंसी केस अलग होता है, जैसे इंडिया में लॉकडाउन से पहले गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किए थे, जैसे चाइना से, वुहान से, इराक, ईरान से या फिर और भी एक दो कंट्री से किए थे, तो वो स्पेशल फ्लाइट गए थे, ठीक है, और उनको लेके आ गए, उनका पैसा वैसा सब कुछ गवर्नमेंट ने वहन किया। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, टिकट का पैसा आपका लगेगा, पहली बात तो ये कि 4 गुना ज़्यादा आपका खर्चा आ जाएगा। दूसरी बात, आप खर्चा कर भी देते हो तो भाई इंडिया आते ही आपकी स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, आपको 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। घर पहुंचने में पता है कितना टाइम लगेगा, 15-20 दिन 25 दिन आराम से भाई लग जाएंगे घर पहुंचने में। अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कहाँ रखा जाएगा, क्वार्टर में रखा जाएगा, स्कूलों में रखा जाएगा, भाई होटलों में तो नहीं रखा जाएगा, इतनी पॉपुलेशन आप समझ सकते हो, ये कोई छोटी छोटी कंट्रियां तो है नहीं कि 50 लाख की जनसंख्या देश हो गया, समझ रहे हो बात को। तो आपकी स्थिति में मैं जहां तक बताऊं, अगर आप ओमान में
अगर आप बहरीन में आपको रहना मिल रहा है, मकान अच्छी तरह से, खाना मिल रहा है, दो टाइम आपको खाना मिल रहा है, आपको नहाने पानी पानी बिजली बिल मिल रहा है, तो भाई आप इतना जल्दी ना करें इंडिया आने की। अगर आप ये सोच रहे हो कि फ़्लाइट ओपन होते ही अपन रजिस्ट्रेशन करवा के भाग जाएंगे, तो ये दिमाग से थोड़ा सा बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा यहाँ परेशानी आपको होने वाली है। क्योंकि एक साथ इतनी ज़्यादा पब्लिक आएगी कि उनको गवर्नमेंट को रखने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको सुविधाएँ मेडिकल उपलब्ध करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा घर तक पहुँचाने में। तो थोड़ा सा इस बात को माइंडली लें, खर्चा भी चार गुना लगेगा, परेशानी होगी वो अलग। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, और जो भी आपकी जा सकती है, आप सोचो आप छुट्टी चलते हैं तो कंपनी पीछे से पता लगे कि आपको बुलाए नहीं, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी तो बढ़ने वाली है, इस बात को तो मानते हो आप, तो थोड़ा सा आप बच लें। और इमरजेंसी 200% इमरजेंसी हो वो तो ही आप आएँ, वरना आप 2-4-6 महीने बाद आने की सोचें, ताकि सिस्टम रूटीन में आ जाए नॉर्मल तरीके से, ताकि आप आराम से छुट्टी काट के वापस अपने कमाने के लायक आप हो जाओ। मेरी तो बस यही हिसाब थी, मेरे पास विचार थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।